हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की नई रिलीज हुई मूवी ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने मूवी देखी होगी, और अगर मूवी नहीं भी देखी फिर भी आप ये वीडियो बेशक दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी स्पॉयलर नहीं बताने वाला हूँ। ये पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी के टाइमलाइन से नहीं है, ये रियल टाइमलाइन से है। और जैसे कि मूवी की टाइमलाइन हम सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच में है। तो सीन के शुरुआत में हमें दिखता है कि येलेना अपनी बहन नताशा की ग्रेव के पास आती है उसे याद करने के लिए, और वहीं पे उससे मिलती है वैलेंटिना एलेग्राडी फाउंटेन, जो उसे उसका नेक्स्ट असाइनमेंट देती है। और ये असाइनमेंट कोई और नहीं बल्कि है क्लिंट बार्टन, जिसे हम हॉकआई के नाम से जानते हैं। और येलेना को ये भी बताया जाता है क्लिंट ही नताशा की मौत के लिए जिम्मेदार है, हालांकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। एवेंजर्स एंडगेम में हमने देखा था कि नताशा ने अपनी जान खुद दी थी, और इतना ही नहीं क्लिंट अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन नताशा ने ऐसा नहीं करने दिया। अब येलेना इस सच्चाई का क्या करती है, ये हमें आने वाले सीरीज हॉकआई में पता चलेगा। और अगर हम बात करें वैलेंटिना की, तो उसे हमने देखा था द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट एपिसोड में, जहाँ वो US एजेंट को अपनी तरफ से कर लेती है, और यहाँ पर वो येलेना को अपनी तरफ कर लेती है। तो वैलेंटिना का आगे जाके एवेंजर्स के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्लान होने वाला है, ये तो साफ है। ये सीन के चलते मार्वल ने अपनी आने वाली सीरीज हॉकआई के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। हालांकि इस सीरीज़ का रिलीज डेट अभी तक नहीं है, लेकिन वो इसी साल आने वाली है। और अगर हम हॉकआई की कास्ट देखें तो उस पर येलेना का नाम भी आता है, तो इन दोनों का आमना सामना ज़रूर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।